नमस्कार, आइए आज इस एपिसोड में गांधी जी के ट्रस्टीशिप सिद्धांत के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। ट्रस्टीशिप सिद्धांत आर्थिक समानता की दृष्टि से एक बड़ा महत्वपूर्ण सिद्धांत है, क्रांतिकारी सिद्धांत है। गांधी जी एक ऐसी समाज व्यवस्था करना चाहते थे जिसमें हिंसा के लिए कोई स्थान ना हो। ट्रस्टीशिप का सिद्धांत उसी क्षेत्र में एक बहुत बड़ा कदम है। बापू ने अपने संस्मरण में लिखा है, लड़ाई के काम से मुक्त होने के बाद मैंने सोचा कि अब मेरा काम दक्षिण अफ्रीका में नहीं बल्कि देश में है। दक्षिण अफ्रीका में बैठे बैठे मैं कुछ ना कुछ सेवा तो जरूर कर पाता था, परंतु मैंने देखा कि यहाँ कहीं मेरा मुख्य काम धन कमाना ही ना हो जाए। देश से मित्र लोग भी देश लौटाने को आकर्षित कर रहे थे। मुझे भी जचा कि देश जाने से मेरा अधिक उपयोग हो सकेगा। उस समय मेरा निकट संबंध नेटाल के साथ ही था। नेटाल के हिंदुस्तानियों ने मुझे प्रेमामृत से नहला डाला। स्थान स्थान पर अभिनंदन पत्र लगा दिए गए और हर जगह से कीमती चीजें भेंट की गईं। उन भेंटों में 50 गिन्नी का एक हार कस्तूरबा के लिए था, मगर उसे जो चीज मिली थी वो भी तो मेरी ही सेवा के फलस्वरूप थी। जिस शाम को मुख्य मुख्य भेंटें मिली वो रात मैंने एक पागल की तरह जागकर काटी। कमरे में इधर से उधर टहलता रहा, परंतु गुत्थी किसी तरह सुलझती न थी। सैकड़ों रुपयों की भेंट न लेना भारी पड़ रहा था, पर लेना उससे भी ज्यादा भारी मालूम होता था। मैं चाहे इन भेंटों को पचा भी सकता था, पर मेरे बच्चे और पत्नी, मुझे विश्वास था कि बच्चों को समझाने में जरा भी दिक्कत न होगी, अतएव उन्हें अपना वकील बनाने का निश्चय किया। बच्चे तो तुरंत समझ गए, परंतु बा को समझाने का काम अंदाजे से ज्यादा मुश्किल साबित हुआ। तुम्हें चाहे जरूरत ना हो, लड़कों को भी ना हो, अरे बच्चे हैं, जैसा समझा दोगे समझ जाएंगे। मगर आज नहीं तो कल उनकी शादी तो होगी, बहुएं आएंगी, उन्हें तो कहने की जरूरत पड़ेगी, और कौन जाने कल क्या हो। फिर जो चीज इतने प्रेम से लोगों ने दी है मैं उसे यूं इस तरह गंवाने ना दूंगी। पहले लड़कों को बड़ा तो होने दो, और जब उनकी शादी होगी तो देख लेंगे, बड़े होकर जो मर्जी चाहे करें। और फिर हमें कौन से गहनों की शौकीन बहुएं लानी है। और अगर ऐसा हुआ भी तो मैं कहां गया हूं, यहीं तो हूं। तो वही होना जिन्होंने मेरे गहने उतरवा लिए। याद रखो, बेटों को तो वैसे ही बैरागी बना चुके हो, बहुओं के साथ मैं ऐसा कतई नहीं होने दूंगी। मैं उन्हें गहने पहनवा कर रहूंगी, और इस हार पर तो तुम्हारा कतई अधिकार नहीं है। पर ये हार मेरी सेवा की खातिर मिला या तुम्हारी सेवा की खातिर? तुम्हारी सेवा में ही मेरी सेवा है। मुझसे दूसरों की मेहनत मजूरी कराते हो, क्या वो सेवा नहीं? मुझे रुरा रुरा कर एरो गैरो के यहाँ सेवा टहल कराते हो, क्या वो सब कुछ भी नहीं? ये सब तीखे बाण थे, कितने ही तो मुझे चुभ रहे थे, पर गहने वापस तो लौटाने का मैं निश्चय कर ही चुका था। अंत में बहुतेरी बातों में जैसे तैसे सम्मति प्राप्त कर सका। 1886 और 1901 में मिली सब भेंटें वापस लौटाई, उनका ट्रस्ट बनाया गया और लोक सेवा के लिए उनका उपयोग मेरी अथवा ट्रस्टियों की इच्छा के अनुसार शर्त पर वह रकम बैंक में रखी गई। मेरा ये निश्चित मत हो गया था कि लोक सेवी को जो भी भेंटें मिलती हैं वे उसकी निजी चीज कदापि नहीं हो सकती। आज के संदर्भ में और किसी और जमाने में भी ट्रस्टीशिप जीवित तो क्या ठीक से काम भी कर सकती है। दिक्कत यह है कि हम में से कोई लोग, हम में से जो लोग उन बातों में विश्वास करते हैं, वो भी ट्रस्टीशिप के विचार को प्रयोग में लाने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि हम में ये विश्वास नहीं है कि ये काम करेगा। 1917 में एक आंदोलन हुआ था, उसमें भी गांधी जी ने यही कहा था कि जो भी संपत्ति है वो सबकी मिलीजुली है। जो मिल मजदूर हैं वो बिना परिश्रम के, सिर्फ परिश्रम से बिना संपत्ति के कुछ नहीं कमा सकते, और जो मिल मालिक हैं वो भी बिना परिश्रम के, बिना मजदूरों की सहयोग से खाली पूंजी लगाने पर भी कुछ खास कमा नहीं सकते।
तो इस तरह से थ्रू ट्रस्टीशिप जो ये जो ट्रस्टीशिप का सिद्धांत है इसके थ्रू गांधी जी ये चाहते थे कि एक मजदूरों में और मिल मालिकों में एक तरह का कोऑपरेशन स्टार्ट हो, एक तरह की सहिष्णुता का वातावरण पैदा हो सके पूरे समाज में, न सिर्फ आपस में एक दूसरे के साथ ये संबंध रहा। मैं तो ये मानता हूँ कि समाज ने प्रकृति के साथ भी, ज़मीन के साथ भी, हवा के साथ भी ट्रस्टी की तरह एक बर्ताव जब तक किया तब तक उसका जीवन निर्विघ्न या निरापद चला। जैसे जैसे हम ये भावना, चूँकि मेरा विषय पर्यावरण का है, मैं कह सकता हूँ कि जब हम नदी को अपना ट्रस्टीशिप की भावना से अलग करके सिर्फ एक कूड़ेदान की तरह देखते हैं तो फिर वो नदी भी हमको प्रदूषित पानी से संबंधित कई तरह से चीज़ें वापस करती है और नुकसान देती है। तो ये ट्रस्टीशिप की भावना तो पूरे जीवन में हर क्षेत्र में लागू होने से ही संभव हो पाएगी। आज जिस तरह से हो गया है कि गरीब और अमीर के बीच खाई तो बढ़ती जा रही है, अब खाई कम करने की बात थी, आज़ादी के आर्थिक रूप से जो क्रांति लानी हो तो ये खाई तो छोटी बननी चाहिए ना, इसके बदले बड़ी हो रही है। तो गांधी जी की जो ये भावना थी अपरिग्रह, आपको जितना चाहिए इतना ही रखो, बाकी एक ट्रस्टीशिप की भावना थी, वो बहुत ऊंची भावना थी। और ये भावना जो आज आए हमारे देश में तो बहुत आगे बढ़ सकता है देश। देश में आर्थिक समानता लाना गांधी जी का मुख्य उद्देश्य था, ये क्रांति थी। और इस क्रांति के लिए गांधी जी का मानना था कि खून खराबी की आवश्यकता नहीं है और सब प्रेम से त्याग करें, मिलकर सहयोग से काम करें, इसका मूल मंत्र था। यही ट्रस्टीशिप सिद्धांत के बैकग्राउंड पृष्ठभूमि में ये नीतियाँ चलती हैं। गांधी जी सेवाग्राम में रहे, वो उनकी कार्यस्थल थी, उस वो ही उनकी प्रयोगशाला थी। आइए सेवाग्राम की यात्रा करें। वर्धा के पास बना ये सेवाग्राम आश्रम बापू की तपोभूमि है। कच्ची मिट्टी से बने यहाँ के मकान उस कालखंड में देशी विदेशी लोगों के लिए आश्चर्य का कारण थे। आश्चर्य इसलिए कि इन घरों में वे लोग रहते थे जो सत्य और अहिंसा के शस्त्र से भारत के गुलामी की बेड़ियों को काटने के लिए महात्मा गांधी के नेतृत्व में जी जान से जुटे हुए थे। सेवाग्राम का नाम से गांव था जिसे बापू ने सेवाग्राम नाम दिया। से गांव में गांव वालों को समझाते हुए उन्होंने कहा था, मैंने देखा है कि बहुत से लोग मुझसे और मेरे कार्यक्रमों से डरते हैं। इस डर के पीछे असली बात यह है कि मैंने अस्पृश्यता निवारण को अपना जीवन कार्य बना लिया है। मीरा बहन यहां आपके बीच रहती थी, उनसे आपने सुना ही होगा कि मैंने अपने जीवन में से अस्पृश्यता को पूरी तरह से हटा दिया है। अब ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, महार मेरे नजदीक सब बराबर है। मैं मानता हूं कि जन्म के कारण ऐसे भेद मानना गलत है। इस भेदभाव के कारण हमें बहुत सी मुसीबतें सहनी पड़ी हैं। परंतु मैं तो आपको ये बताना चाहता हूं कि अपने ये विचार मैं आप पर नहीं लादना चाहता। मैं तो आपको समझाकर और अपने निजी आचरण से ये बातें आपके गले उतारने की कोशिश करना चाहता हूं। यही थी आदमी को आदमी से जोड़ने की बापू की अद्भुत कला। बापू की श्रम संबंधी मान्यताओं के बारे में मैंने अध्ययन करते करते ये जाना कि आर्थिक समानता अहिंसक स्वतंत्रता का मूल मंत्र है। अहिंसक समानता हेतु कार्य करने का अर्थ है पूंजी एवं श्रम के बीच सतत संघर्ष को समाप्त करना। इसका अभिप्राय है एक ओर तो उन पूंजीपतियों के स्तर को कम करना जिनके हाथ में देश की अधिकतर धन संपत्ति है, और दूसरी ओर करोड़ों की संख्या में गरीबों का उत्थान। ये हिंसा और खूनी क्रांति अवश्यंभावी है जब तक कि पूंजी वो उससे मिलने वाली ताकत का सर्वहित के लिए प्रयोग न किया जाए। ट्रस्टीशिप के सिद्धांतों पर लगाए गए लांछनों के बावजूद मैं अपनी बात पर अडिग हूँ। गांधी जी की जीवनी पढ़ते पढ़ते एक बहुत ही करुण प्रसंग मेरी आंखों से गुजरा। 1933 की बात है, एक नवयुवक सेवाग्राम आश्रम में बापू से मिलने आया। वो विनोबा जी के मार्गदर्शन में काम कर चुका था। उसने बापू से कहा, आप मुझे अपने यहां नौकर रख लीजिए।
हम तुम्हें आश्रम में एक कुटुंबी की तरह रखेंगे, नौकर की तरह नहीं। हम अपने यहां किसी को नौकर नहीं रखते। तुम्हें दूसरी जगह जितना मिलता था हम उससे ज्यादा ही देंगे, और खाना अलग से। लेकिन एक शर्त है कि तुम एक कुटुंबी की तरह काम करोगे। कई महीनों तक वो युवक ईमानदारी और लगन के साथ अपना काम करता रहा, लेकिन फिर एक बार वो चोरी के लोभ में फंस गया। पहली बार उसकी चोरी छुप गई, लेकिन दूसरी बार वो पकड़ा गया। अपना अपराध स्वीकार करने का उसमें साहस नहीं था, किंतु गांधी जी के प्यार के बल से उसने अपना अपराध स्वीकार कर लिया। उसकी अपराध की स्वीकृति के बाद सब लोगों की आंखों में एक दुखद सा चित्र खिंच गया, हमारे देश में निर्धन लोग कैसे अपना जीवन व्यतीत करते हैं, ऐसा चित्र। पहली बार उसने अपनी गाय के लिए थोड़ा सा भूसा चुराया था, और दूसरी बार अपने पिता के लिए थोड़ा सा गेहूं। वो युवक बहुत दुखी था। उसे अपनी सद्वृत्ति के विरुद्ध जिन परिस्थितियों में चोरी करनी पड़ी थी, उसे देखकर आश्रमवासी भी बहुत दुखी थे। बापू, आप जो चाहें मुझे सजा दें, मेरी तो आपके सामने आने की हिम्मत भी नहीं पड़ती थी। मैं तो सोचता था कहीं दूर चला जाऊं, फिर मैं अपना मनहूस चेहरा आपको ना दिखाऊं। आपने मुझे इतना स्नेह दिया, प्यार दिया, अपने परिवार का अंग समझा, पर मैं आपके स्नेह का काबिल न निकला। मैं तो तुम्हें कुछ भी सजा नहीं दे सकता और ना ही यहां से निकाल सकता हूं। मैं तो बस यही कह सकता हूं कि आगे कभी ऐसा मत करना। तुम्हें जिस चीज की जरूरत हो उसे मांग लेना, बस चोरी मत करना। यहां जो कुछ भी है वो सब जनता की संपत्ति है, हम सब तो ट्रस्टी हैं। गांधी जी ने कभी भी किसी भेंट या उपहार को अपनी वस्तु नहीं समझा, बल्कि वो सारी चीजें वो जनता की संपत्ति मानते थे, और उनका उपयोग वो सार्वजनिक हित में ही करते थे।